Hello everyone, good morning to all and welcome to all in this class. First subject EBS Environment Science, and today our topic is body parts. Today I am going to start a new chapter, new topic, body parts. जैसे कि मैंने यहाँ पे mention भी किया है body parts. Okay? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बॉडी पार्ट्स क्या है, इसका हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट है, बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग आज ओरल में जानेंगे. तो बच्चों माय बॉडी हैज, आवर बॉडी है मैनी पार्ट्स. हमारे जो बॉडी में पार्ट्स हैं वो बहुत सारे बॉडी में पार्ट्स हैं. कुछ हमारे इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है. इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, आंतरिक और जो बाह्य. तो जो हमें दिखाई देते हैं वो आंतरिक भाग है हमारे शरीर के, और जो दिखाई नहीं देते हैं वो हमारे बाहरी पार्ट्स हैं. शरीर के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देते हैं और शरीर के आंतरिक भाग जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से निरंतर चलाने के लिए वो जो आंतरिक भाग होते हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है. लेते हैं किडनी, हार्ट, स्टमक. आई स्टमक इट मींस लीवर, है ना. इस तरह के जो पार्ट्स हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं. किडनी आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक हार्ट होता है जिसे आप हृदय भी बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दिल के नाम से भी जानते हैं, और उसका शेप कुछ हार्ट का शेप कुछ इस टाइप का होता है. ऐसे कुछ शेप होता है ना, लाइक एप्पल भी बोल सकते हैं. तो शरीर के जो दो पार्ट हुए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, आंतरिक और बाह्य. तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देते हैं पार्ट हम उनकी चर्चा करेंगे. जैसे कि आप देख लीजिए, हेड, नोज, आईज, लिप्स, माउथ, टीथ, ईयर्स, हेयर, हैंड, नेक, थ्रोट, चेस्ट, स्टमक, थाई, लेग, टोज, नी, एल्बो, फिंगर्स, नेल्स, चिन, चीक, आईब्रोज, आईलेट. ये जो हमारे पार्ट है ये हमारे बाह्य भाग है, बाहरी भाग है जो कि हमें दिखाई देते हैं, ये शरीर के अंग हमें दिखाई देते हैं. ओके? इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे. मैं सबसे पहले आप लोगों को लिख के बता दूं, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स. फर्स्ट है आईज, सेकेंड नोज, थर्ड ears, fourth head, fifth hair, sixth neck, seventh throat, eighth lips,
नाइन, टेन, टेन माउथ, इलेवन फॉरहेड, ट्वेल्व चेस्ट, थर्टीन स्टमक, फोर्टीन एल्बो, फिफ्टीन हैंड, सिक्सटीन फिंगर्स, सेवेंटीन पाम, एटीन रिस्ट, नाइनटीन लेग, ट्वेंटी नी, ट्वेंटी वन टो, दीज आर अवर बॉडी पार्ट्स। ओके, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है। फर्स्ट आईज, सेकेंड नोज, थर्ड ईयर्स, फोर्थ हेड, फिफ्थ हेयर, सिक्स नेक, सेवन थ्रोट, एट लिप्स, नाइन टंग, टेन माउथ, इलेवन फॉरहेड, ट्वेल्व चेस्ट, थर्टीन स्टमक, फोर्टीन एल्बो, फिफ्टीन हैंड, सिक्सटीन फिंगर्स, सेवेंटीन पाम, एटीन रिस्ट, नाइनटीन लेग, नी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन है टो, ट्वेंटी टू थाई, ट्वेंटी टू थाई। अब मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। आईज आंखें, नोज नाक, ईयर्स कान, हेड सिर, हेयर बाल, नेक गर्दन, थ्रोट गला, लिप्स होंठ, टंग जीभ, माउथ मुंह, फॉरहेड माथा, चेस्ट छाती, स्टमक पेट, एल्बो कोहनी, हैंड हाथ, फिंगर्स उंगलियां, पाम ये जो हाथ का ये हिस्सा होता है ना, ये हमारा क्या होता है जिसको आप हथेली भी बोलते हो, ये हिस्सा हमारा पाम कहलाता है। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पाम बोलते हैं। ओके, लेग पैर, नी घुटना, टो पैर का अंगूठा, और थाई लेग का जो हमारा अप पार्ट होता है जिसको हम लोग हिंदी में जांघ बोलते हैं, वो होता है थाई। और 23 अगर देखें हम लोग तो थंब मींस होता है अंगूठा, थंब मींस होता है अंगूठा। ओके, आई होप इट दिस इज सफिशिएंट इन दिस क्लास। मैंने अभी आप लोगों को बॉडी पार्ट्स बता दिया है। ये हमारे शरीर के बाहर के भाग है जो कि हम देख सकते हैं इनको और छू सकते हैं, और जिनको हम देख या छू नहीं सकते हैं वो हमारे आंतरिक भाग कहलाते हैं। लाइक दैट हार्ट, लिवर, किडनी। ओके, इन भागों को हम देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज से कुछ पार्ट करेंगे, बुक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग है, जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग है उनका काम भी अलग अलग है, उनका जो वर्क है वो भी अलग अलग है। जैसे कि जैसे आइस का वर्क क्या है? देखना। आइस का वर्क है सी, है ना। नोज का वर्क है स्मेल एंड ब्रीथ, नोज का वर्क है स्मेल एंड ब्रीथ, है ना।
और जो फिंगर्स का वर्क है, आप देखते हैं किसी चीज को हमें होल्ड करना है, पकड़ना है, तो हम फिंगर्स और थंब की हेल्प से ही उस चीज को कैच कर पाते हैं, उसे होल्ड कर पाते हैं, तो है ना, फिंगर्स का वर्क हमारा क्या हुआ, होल्ड। इस तरह से ईयर्स का हेयर, ईयर्स का काम क्या है हमारा, सुनना। ऐसे ही टंग का क्या काम है, टंग का काम है टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट हमें लेना है, स्वाद लेना है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारे टंग से पता चलेगा। टीथ का वर्क क्या है, च्यू, कोई भी चीज हम खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं तो हमारे टीथ के द्वारा ही हम उसे चबा चबा के खाते हैं, है ना, तो टीथ का वर्क हुआ च्यू। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट, जैसे कि आप लेग्स का वर्क देखोगे, लेग्स का वर्क क्या है, वॉक करते हैं हम लेग्स से, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट का अपना एक अलग वर्क है। से आई च्यू विद माय टीथ, आई च्यू विद माय टीथ, हम अपने दांतों से चबाते हैं। आई होल्ड फूड विद आवर फिंगर्स, वी होल्ड फूड विद आवर फिंगर्स, हम अपने हाथों की उंगलियों से, हम अपने उंगलियों से जो हमारा खाना होता है या कोई थिंग होती है उसको हम पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। फिर आई वॉक विद अवर, सॉरी, वी वॉक विद अवर लेग्स, वी वॉक विद अवर लेग्स, हम अपने पैरों से क्या करते हैं, चलते हैं, पैरों से क्या करते हैं, चलते हैं। आई होल्ड अ बॉल विद माई हैंड्स, आई होल्ड अ बॉल विद माई हैंड्स, हम बॉल को ले रहे हैं, बॉल को पकड़े हुए हैं, तो हम किससे पकड़े हुए, अपने हाथों से पकड़े हुए। खाने को हम सिर्फ फिंगर्स से पकड़ते हैं, जैसे कि हम कोई चीज खा रहे हैं तो आप देखोगे सिर्फ उसमें यूज क्या है, फिंगर्स का यूज है, फिंगर की हेल्प से हम होल्ड किए। लेकिन हम जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसमें हमारा हैंड का सपोर्ट होता है, बिना हैंड के हम फिंगर से सिर्फ उसको सपोर्ट नहीं मिल सकता, तो हैंड का वर्क क्या हो गया, होल्ड करना। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, सिर्फ फिंगर से हम पकड़ेंगे तो हो सकता है ये फिंगर से पकड़ने में पूरा सपोर्ट हमें नहीं करेगी, और हो सकता है ये हमसे छूट जाए, गिर जाए, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर दोनों हाथों से पकड़ेंगे तो कॉन्फिडेंशियल आप इसको पकड़ के रखेंगे, तो ये हैंड का वर्क क्या हो गया, हैंड का वर्क हो गया होल्ड करना। ओके, क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज, टेक आउट योर नोटबुक एंड रीडिंग बुक एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट है, आई हैव हैंड्स। सेकेंड है, आई हैव moves. Third head, I have lips. Fourth head, I have eyes. Fifth head, I have Legs. बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, काउंट करके लिखना है, काउंटिंग करनी है कि ये बॉडी पार्ट्स आपके बॉडी में कितने हैं, हाउ मैनी दीज पार्ट्स इन योर बॉडी, है ना, ये जो बॉडी पार्ट्स है ये आपके बॉडी में कितने हैं। जैसे फर्स्ट है, आई हैव हैंड्स, अब आप देखोगे हमारे बॉडी में दो हाथ है, कितने हाथ है, दो हाथ है, तो यहाँ पर हमने इसका जो काउंट किया, क्वांटिटी क्या लिख दिया, टू, आई हैव टू हैंड्स, मींस मेरे पास दो हाथ है, मेरे पास दो हाथ है। फिर सेकेंड है, आई हैव नोज, अब आप बताओगे, आप अपने फेस को रीडिंग करोगे, फेस की तरफ देखोगे तो आप कितनी, आपके फेस में कितनी नोज है, वन नोज है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई हैव वन नोज। फिर है, I have lips. अब आप lips मैंने बताया था होल्ड होता है, तो आप lips देखोगे, two lips है, upper lips, lower lips. ऊपर का हिस्सा है जो वो, और जो नीचे का हिस्सा है वो, तो upper lips और lower lips, तो इस टाइप से कितने lips है, two.
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा टू। फिर है आई हैव आईज, आप सभी देख रहे हो आप लोगों की कितनी आंखें हैं, दो आंखें हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आई हैव टू आईज, आई हैव टू आईज एंड आई हैव टू लेग्स। पैर भी कितने हैं आप लोगों के, टू लेग्स, दो पैर हैं। मैं अगर रीड कर देती हूँ, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव वन नोज, आई हैव टू लिप्स, आई हैव टू आईज एंड आई हैव टू लेग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। प्लीज 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 राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। सिर्फ देखना नहीं है बच्चों, आप लोगों को ये प्रैक्टिस भी करना है। ओके, कुछ पॉइंट्स है कीपिंग आवर बॉडी फिट। ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये हमारे शरीर को फिट रखने के लिए काम आते हैं। फर्स्ट है वी मस्ट प्ले गेम्स, वी मस्ट प्ले गेम्स। बच्चों अगर हमें अपने बॉडी को फिट रखना है तो पढ़ाई के साथ साथ हमें गेम्स भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी बहुत जरूरी है ना। पढ़ना तो है ही, बट उसके साथ हमें प्ले भी करना है, गेम प्ले भी करना है, उससे हमारा शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है, जो फिजिकल जो इफेक्ट्स होंगे वो फिट होंगे, है ना। तो वी मस्ट प्ले गेम्स। फिर है वी मस्ट एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज इट मींस व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज। हमें सिर्फ एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के क्या क्या करना है। एक हमारा जो डेली का रूटीन होना चाहिए वो हमारे शरीर को, फिजिकल हमारा जो बॉडी है उसको फिट रखेगा। जैसे कि सुबह हम जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठने के बाद जो हम वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमारा जो शरीर है वो फिट रहेगा, हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना है। हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारा ऐसे ही इम्प्रूव करेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, मीन्स ध्यान करेंगे, वॉक करेंगे। और नेक्स्ट है थर्ड, वी मस्ट डू योगा, वी मस्ट डू योगा टू कीप अवर सेल्फ्स फिट। हमें योगा भी करना बहुत जरूरी है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए योगा करना भी बहुत जरूरी है ना। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वी मस्ट डू योगा टू कीप अवर सेल्फ्स फिट। ओके, फोर्थ पॉइंट है वी मस्ट डू प्राणायाम, वी मस्ट डू प्राणायाम फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम इट मीन्स मेडिटेशन, ध्यान। बच्चों कई बार हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है, जब ये एज होती है तो हम लोग भी ऐसे ही होते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमें अपना कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें, मान लीजिए पढ़ाई करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, उस तरफ हमें आकर्षित करना चाहिए, अपने स्टडी मटेरियल की तरफ। तो
तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले हम ध्यान करना सीखें कि हमारा ध्यान जो है एकाग्रचित होना चाहिए। जब हम एकाग्र होंगे तभी हमारा करने में मन नहीं लगेगा, है ना। तो बच्चों मेडिटेशन जो है हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इससे दिमाग जो है हमारा विकसित होता है, ब्रेन जो है हमारा इम्प्रूव होता है, और हम जो कहते हैं ना बार बार कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप मेडिटेशन करके देखिएगा आपका पढ़ाई में मन लगेगा, है ना, और जो आप वर्क करोगे उसमें आपका कंसंट्रेशन लगेगा। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। हमारा जो खाना होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। मींस फर्स्ट मील जो हमारा होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए। ब्रेकफास्ट इज द मस्ट, है ना। तो फर्स्ट मील हमारा ब्रेकफास्ट हो और इसको टाइमली हमें कंप्लीट करना चाहिए। फिर सेकेंड मील हमारा होता है लंच, सेकेंड मील लंच, और लंच में हमारा प्रॉपर जो खाना होता है, फूड होता है, वो होता है दाल चावल सब्जी रोटी, है ना, सैलेड। ये हमारा प्रॉपर फूड है जो कि लंच सेकेंड मील पर, और ये भी हमें प्रॉपर टाइमली लेना चाहिए, जिससे कि आप देखते हैं कि जब हमारा फूड हेल्दी होगा तो हम भी हेल्दी होंगे। नहीं, आजकल आप लोग देखते हो कि जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे हमारे शरीर पर तो इफेक्ट हो ही रहा है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। तो जंक फूड जो है हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, जंक फूड की वजह हमें हेल्दी फूड लेना है, जिससे हम अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे, हमारा ब्रेन भी इम्प्रूव होगा। ओके, सो वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स थे जिस पर हम लोगों को अटेंशन रखना है, अपना हमें गुड हेल्थ के लिए ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी मुझे बार बार इरेज करना पड़ा बिकॉज आई हैव नो प्रॉपर प्लेस ऑन माय ब्लैक बोर्ड, सो प्लीज सॉरी बार बार मैं इरेज कर रही हूँ, और आप लोगों को वीडियो को पॉज करके और अपना सिलेबस बार बार रिपीट कर सकते हो। थर्ड है मैजिक, मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगी, मैच द बॉडी पार्ट्स, मैच द बॉडी पार्ट्स विद देयर पिक्चर्स। वन साइड में लिखूंगी बॉडी पार्ट्स और अदर साइड में लिखूंगी, सॉरी मैं ड्रा करूंगी पिक्चर बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड। बच्चों एक साइड मैंने
पिक्चर बनाया है और एक साइड मैंने बॉडी पार्ट्स लिखे हैं, नाम लिखे हैं उनके, मैच करना है। आईज, आईज को हमने आईज से मैच किया। नोज देखना है, नोज कहाँ पे है अदर साइड, तो नोज को हमने सेकेंड नंबर से मैच किया। हैंड देखना, हैंड जस्ट फ्रंट में है तो हमने हैंड को हैंड से मैच कर दिया। ईयर्स, लास्ट पिक्चर इज ईयर एंड लिप्स, फर्स्ट पिक्चर इज लिप्स। ओके, इस तरह से हमें बॉडी पार्ट्स को उसके नाम को हमें मैच किया उसके पिक्चर से। और बच्चों आज का जो क्लास है यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।